नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद सभी राजनेताओं ने अपनी ओर से श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की। आज पीएम मोदी ने भी जब लोगों को संबोधित किया तो उस वक्त उन्होंने रघुवंश बाबू पर सबसे पहले चर्चा की और इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार से भी कहा कि रघुवंश बाबू की जो भी आखिरी इच्छा रह गई उसे जरूर पूरी की जाए। तो इसी पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है कि अभी के इस मौके पर मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि लोग इस पर राजनीति ना करें और नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे कि उनकी बातें माने। अभी उस चीज को शौक में है, ये वक्त जो है राजनीति का नहीं। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से भी अपील करूंगा कि जो इसमें राजनीति करना चाहते हैं ये समय राजनीति का नहीं है। और लगातार लालू जी ने अपने पंक्ति में भी स्पष्ट किया था कि रघुवंश जी आप कहीं नहीं जाने देंगे उनको और आप जो है कहीं नहीं जाइएगा। समझ लीजिए, जो लालू जी के साथ जो उनका रिश्ता रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कुछ लोग हैं जो इस पे नकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि ये समय राजनीति का नहीं है, इसलिए ज्यादा इसमें कोई टिप्पणी। उनके जो अधूरे बात रह गए वैशाली को लेके, क्या आप पूरा करेंगे? देखिए, एक समाजवादी नेता रहे, लगातार रघुवंश बाबू ने जो गरीब विरोधी सरकार रही, मजदूर विरोधी सरकार रही, किसान विरोधी जो सरकार रही, युवा विरोधी जो सरकार रही, उनके खिलाफ हमेशा से हल्ला बोला है, चाहे बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, मुद्दे पे वो उन्होंने बातें जो है संघर्ष उन्होंने किया है। जब भी नौजवानों की बात आई हो, जब भी किसानों की मुसीबतें आई हो, जब भी मजदूरों परेशानियां में हो, गरीब भुखमरी से गुजर रहा हो, हमेशा से मुखर होकर के चाहे नीतीश कुमार जी हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, हमेशा उनको घेरने का काम किया। तो ये जज्बा तो उन लोगों को, चंद लोग ही हैं जिन्होंने हमको ऊर्जा देने का काम किया, उनमें से वो एक थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है इस पर राजनीति कर रहे हैं, इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं। ऊर्जा मुझे एक दुखद खबर आपके साथ साझा करना है। बिहार के दिग्गज नेता श्रीमान रघुवर प्रसाद सिंह वे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं। रघुवंश बाबू के जाने से बिहार और देश की राजनीति में शून्य पैदा हुआ। जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, गरीबी को समझने वाला व्यक्तित्व, पूरा जीवन बिहार के संघर्ष में बिताया, जिस विचारधारा में वो पले बड़े, जीवन भर उसको जीने का उन्होंने प्रयास किया। मैं जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था उस काल से मेरा उनका निकट परिचय रहा। अनेक टीवी डिबेट में काफी वाद विवाद संघर्ष करते रहते थे हम लोग। बाद में वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे, यूपीए में, मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते भी उनके साथ लगातार संपर्क में रहता था विकास के कामों को लेकर के।
और पिछले 3-4 दिन से वे चर्चा में भी थे। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं स्वयं भी चिंता करता था, लगातार जानकारियां लेता रहता था और मुझे लगता था कि बहुत ही जल्द ठीक होकर के वो वापिस बिहार की सेवा में लग जाएंगे, लेकिन उनके भीतर एक मंथन भी चल रहा था। जिन आदर्शों को लेकर के चले थे, जिनके साथ चले थे, उनके साथ चलना अब उनके लिए संभव नहीं रहा था और मन पूरी तरह उस जद्दोजहद में था। और 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी भावना को चिट्ठी लिख करके प्रकट भी कर दिया, लेकिन साथ साथ भीतर अपने क्षेत्र के विकास की भी उतनी ही चिंता थी। तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री जी को अपनी एक विकास के कामों की सूची भेज दी। बिहार के लोगों की चिंता, बिहार के विकास की चिंता उस चिट्ठी में प्रकट होती है। मैं नीतीश जी से जरूर आग्रह करूंगा कि रघुवंश प्रसाद जी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में जो भावनाएं प्रकट की है उसको परिपूर्ण करने के लिए आप और हम मिलकर के पूरा प्रयास करें, क्योंकि पूरी तरह विकास की ही बातें उन्होंने लिखी थी, उसको जरूर करें। मैं फिर एक बार आज कार्यक्रम के प्रारंभ में ही श्रीमान रघुवंश प्रसाद जी से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं।